इस वक्त जो है वो डेंगू का टाइम चल रहा है, और अब स्कूलों में जो है वो कोविड की वैक्सीनेशन लगाई हुई है। डेंगी जो है वो मच्छर के काटने से होता है। अभी पहले तो इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। पाकिस्तानी कौम बड़ी यूनिक है। कोविड से कितने लोगों का इंतकाल हो गया, अगर आज बचाव हुआ है तो ये वैक्सीनेशन की वजह से बचाव हुआ है। सीएसआर में अब आगे आप क्या करने जा रहे हैं? इनफॉर्मल स्कूल चला रहे हैं जिसमें क्लास 5 तक का सब्जेक्ट 18 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। हमने 850 लड़कियों को अब तक बाइक चलाना सिखा दिया, आपको भी नजर आएंगी रोड्स पे। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसमें हम पैशनेटली अभी कर रहे हैं वो जेल रिफॉर्म्स है, और उसमें हम बहुत इन्वॉल्व हैं। हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करवाए हैं, सिलाई कढ़ाई, मोटरसाइकिल रिपेयर, मोबाइल फोन रिपेयर, खाना इम्प्रूव करवाया है। हमेशा हम सोचते हैं कि हमें क्या फायदा, ये टाइम अब चेंज हो गया, अब हमें ये देखना है कि हम दूसरों को क्या फायदा दे सकते हैं। तो दोस्तों, टुडे इन फोकस में आज हम एक यूनिक इंटरव्यू करने जा रहे हैं, और हम इस वक्त एक बोट पे मौजूद हैं, इनफैक्ट एक फेरी पे मौजूद हैं, और हम कराची की साहिली पट्टी पे सब ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा, इनसे हम बात करेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस फेरी पे इन्वाइट किया, हमारी खुशकिस्मती है और बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस है। और आपसे मिलने की ख्वाहिश तो थी ही, आपका इंटरव्यू आज मैं कर रहा हूँ। तो सर, आप ही कंटिन्यू कीजिए, ईसा लैब से शुरू कीजिए। सफर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, सफर तो ऐसा शुरू हुआ कि ईसा लैब का सफर तो 1987 में शुरू हुआ, मेरे वाले साहब ने स्टार्ट किया। और मेरा सफर जो है वो पहले गवर्नमेंट सर्विस से स्टार्ट हुआ, और गवर्नमेंट सर्विस की 15-16 साल सिंध में पोस्टेड था, एक्सपीसीएस ऑफिसर था, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहा, हेल्थ में भी रहा, और फिर पढ़ाया भी रहा मेडिकल कॉलेज में। लेकिन आई थिंक कि हमारा जो प्रोफेशन है जिसमें हम थे मेडिकल, वो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोफेशन है, क्योंकि बाकी चीज़ों में आप काम करते हैं लेकिन इसमें जब आप लोगों की तकलीफ दूर करते हैं और उनकी खुशी देखते हैं और दुआएं लेते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग एक फीलिंग भी होती है। और अपने खाते अल्लाह ताला ने हमें एक तरह से एक ऐसा मौका दिया है कि हम खिदमत कर सकते हैं और अल्लाह की मखलूक के लिए काम कर सकते हैं और अल्लाह की खुशनूदी हासिल कर सकते हैं। ईसा लैब जो है वो 1987 में तो स्टार्ट हुई, मेरे वालिद साहब ने 96 में मैंने ज्वाइन किया, और 96 में ज्वाइन करने के बाद ये प्लान डिसाइड हुआ कि हम इसको बड़ा करेंगे, क्योंकि मेरे फादर भी हमेशा चाहते थे कि लोगों को जॉब्स मिलें, और हमारा अभी भी यही मोकस है कि हम जब ग्रो कर रहे हैं तो वो वुमेन वो हम एम्पावरमेंट करना चाहते हैं लोगों की। तो उसके चक्कर में जो है वो ब्रांचेस भी खुली और हम एक्सपैंड भी किए और पूरे पाकिस्तान में आ गए, और हम लोग डायग्नोस्टिक सर्विसेज में भी हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो सारी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें हमें मुनफरिद करती हैं, यूनिक करती हैं, वो ये है कि एक तो 50% लोग जो हमारे पास काम करते हैं वो लेडीज़ हैं, क्योंकि हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह मोटरसाइकिल के दो पहिए हैं ना, उसी तरह से मर्द और औरत दोनों जब तक दोराए में नहीं आएंगे तो वो आ नहीं सकेगा आगे सिलसिला। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने इसके अंदर एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा स्ट्रांग डिपार्टमेंट बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ों के अलावा इस वक्त भी पीड्स की कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है, जो यूएस एड ने दी है फाइजर की, वो भी ईसा लैब्स इन गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किए, वो भी ईसा लैब के सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह स्कूल्स में और लैब्स में वो फ्री में लग रही है, और डे वन से कोविड वैक्सीनेशन हम फ्री में लगा रहे हैं अपने सेंटर्स पे। इसके साथ साथ हमें एक्सपो सेंटर पे काम करने का मौका मिला था आर्मी के साथ, जिसने फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची बनाया, और हमारे 40 लोग वहाँ पे पोस्टेड थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 1.5 महीने कंटेनर्स में भी रहे। और दो चीज़ें हुई, एक तो वो इस्टेब्लिश हुआ आर्मी की लीडरशिप में, और उसके अंदर बहुत सारे लोग दूसरे भी इन्वॉल्व थे, आलमगीर वेलफेयर, JDC, सेलानी, रोटरी इंटरनेशनल, रेड क्रेसेंट, और भी बहुत सारे इदारे, लेकिन साथ साथ सैमिलिटी डॉक्टर्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व थे। सेकेंडली, हमने वहाँ पे लैब चलाई जिसमें फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करी। लेकिन जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि वहाँ पे जो इन्फेक्शन प्रोटोकॉल्स बनाए गए, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, उसमें एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक सफाई वाला जो रेड जोन में काम कर रहे थे, आर्मी वाले जवान भी रेड जोन में काम कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक को भी कोविड नहीं हुआ। और आपको पता है पाकिस्तान का ये जो चीज़ आई, इसमें मैं भी शामिल था, इंटरनेशनली इसको रिस्पेक्ट मिली कि यार पाकिस्तान के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने ऐसी चीज करके दिखाई जो दुनिया में इतनी हम बात हुई डॉक्टर्स की, यहाँ पे कोविड तक नहीं हुआ। कोविड की सर बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त जो है वो बड़ा एक बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से बड़ा सवाल पेरेंट्स के दिमाग में उठा हुआ है कि भाई अब इस वक्त जो है वो डेंगू का टाइम चल रहा है और अब स्कूलों में जो है वो कोविड की वैक्सीनेशन लगाई हुई है। एक तो वैसे ही पेरेंट्स बड़े परेशान हैं कि बच्चों के लगवाई जाए, हमारे यहाँ स्टिग्मा बहुत है इन चीज़ों को लेकर, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात है कि डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होता है,
कोविड में कोई आप ऐसी चीज नहीं दे रहे होते जो नुकसानदेह है, वो आप बेसिकली बीमारी के खिलाफ कुव्वते मुदाफियत जो है ना वो बना रहे होते हैं। तो पहले इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। दूसरी चीज ये आती है कि वैक्सीनेशन तो प्रिवेंशन करती है। मैं आपको दो तीन चीजें बताऊं, बैठ जाते हैं। पहली चीज ये कि इंटरेस्टिंगली आपको मैं बताऊं कि जो वो कि मैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट हूँ और मैं डे वन से मेरे प्रोग्राम्स में भी आ रहा हूँ, अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहा हूँ। पाकिस्तानी कौम बड़ी यूनिक है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे हमसे एज ए फिजिशियन हम वैक्सीनेशन भी लगाते हैं, आज तक किसी ने नहीं पूछा कि कहीं वैक्सीन लगाने से जहन तो मफलूज नहीं हो जाएगा, आंखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, मोटन तो नहीं हो जाएंगे बच्चे, आंखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, जिगर तो फेल नहीं हो जाएगा, किडनी तो काम नहीं करना छोड़ देगी, दिल की मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ मेरा ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल नहीं हो जाएगा, मेरी शुगर का पेशेंट हूँ मेरी शुगर पे क्या असर पड़ेगा। अगर पाकिस्तानियों को कोई परेशानी है वो सिर्फ ये है कि बच्चे पैदा हो सकेंगे कि नहीं। बिल्कुल। और ये बड़ा मतलब मैं सोचता हूँ कैसी कौम है। मैं कहता हूँ कि पहली तो वैक्सीन सारे काम नहीं करती जो मैंने अभी जिक्र किया, इंक्लूडिंग बच्चों के जो बात हुई इम्पोर्टेंस की, लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप सोचिए हमारी सोच क्या रह गई है। कभी कोई नहीं पूछता कि ये सारी चीजों में क्या हमें फायदा है, नुकसान। पोलियो वायरस के ड्रॉप्स को लेके भी यही बात फैली हुई है। आपको पता है पोलियो ड्रॉप्स के बारे में भी यही फैली हुई थी, और अगर आज आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो बच्चे बढ़ रहे हैं, आबादी का टाइम बॉम्ब चल रहा है पाकिस्तान में क्या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो मुझे तो लगता है कि ये मतलब वो उल्टा काम कर रही है शायद, अगर कर भी रही है कोई काम तो ये सब गलत खबरें हैं। वैक्सीन अगर आपको पता है ये वायरस करने से ये कोविड से कितने लोगों का इंतकाल हो गया, अगर आज बचाव हुआ है तो ये वैक्सीनेशन की वजह से बचाव हुआ है। और एनसीओसी का इदारा भी बहुत अच्छा बना था, जिसकी वजह से आपने देखा कि इंडिया में कितनी अमवात हुई, पाकिस्तान में उतनी अमवात नहीं हुई। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं है, क्योंकि देखिए आगे आने वाले टाइम में जंगें भी जो है ना जर्म्स की होंगी, बायो टेररिज्म और जर्म वॉरफेयर होगी, और उसकी वजह से मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट भी शेयर नहीं कर सकती, इदारे भी शेयर नहीं कर सकते, और लोग समझते हैं मतलब सिर्फ ये ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं। और ये एनसीओसी के जो अहदेदारान हैं वो भी बताएंगे अगर कभी ऐसा मौका लगा तो। कहने का मकसद ये है कि अच्छा कुछ लोग कहते हैं, अभी आप सोचे ना टीवी इंटरव्यू पे मुझसे पूछ रहे हैं कि वो जी वो मेरा तो बल्ब चल जाता है वैक्सीन लगा के, तो मैं 5-6 दफा मैंने जब ये जवाब सुने मैंने कहा कि अब इनको मैं जवाब ही दे दूं मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा देखिए आपको दो वैक्सीन आपने लगा ली, कहते हैं हाँ लगा ली। तो मैंने कहा कि और उसके बाद आप दो बूस्टर और लगा लें तो कितने हो गए, चार हो गए। और चार हो गए, और आपके पास घर में कितने लोग रहते हैं, कहते हैं जी मेरे चार बच्चे हैं, मियाँ बीवी हम 6 और माँ बाप रहते हैं 8 लोग रहते हैं। तो मैंने देखे 8 लोगों को बूस्टर लगाए, चार सबके वैक्सीन हो गए, और 8 × 4 करेंगे तो 32 बल्ब चलेंगे। तो आपको जनरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, लाइटें चलाएं, ठीक है। और तो वो एंकर भी हंसने लगा, कहते हैं सर वैसे तो आप लाइफ पे कर रहे हैं लेकिन ये उनसे कहेंगे 2 पंखे भी चला लें, 2 बल्ब कम कर दें। तो कहने का मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बंदा बंदा मजाक कर सकता है ना कुछ और कर सकता है। अभी आपको बताऊं मेरा ड्राइवर है उसने वैक्सीन लगाया, तो मुझसे कहता है कि सर, दूसरा ड्राइवर आया कहता है कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं लगाओगे भाई, कहता है कि मेरे जो है ना वो चिप डाल देंगे, वो सब कह रहे हैं चिप लग जाएगी। मैंने कहा भाई तुम मेरी गाड़ी लेके कहाँ घूमते रहते हो, मैंने तुम्हारे अंदर चिप नहीं लगाई, तुम्हारी नॉलेज लेके किसी को क्या मिलेगा। और दूसरी बात है ये मोबाइल जो सेट्स हैं हमारे पास में सारी चीजें, अगर कोई किसी को इतनी ज्यादा परेशानी है कि उसकी बात रिकॉर्ड हो सकती है, वो फोन किस बात क्या कर रहा है या सोच क्या रहा है या तस्वीर क्या खींच रहा है या कहाँ घूम रहा है, उसके अंदर तो लोकेशन भी है, तो वो मोबाइल करना छोड़ दो, वो तो कोई नहीं छोड़ेगा, चिप इसमें चिप लगा रहे हैं, मतलब कहाँ की बातें कहाँ है। तो ये बेसिकली मिसकंसेप्शन है, और हमारे पास पढ़े लिखे जहालत जाहिल हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली, और व्हाट्सएप ने भी बड़ी चीजें गलत फैलाई। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी क्या मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि सीएसआर का बेतहाशा काम आप कर रहे हैं, सीएसआर में अब आगे आप क्या करने जा रहे हैं जो ओवरऑल एज ए नेशन हमारे लिए फायदेमंद होगा। देखिए हम लोग जो है ना वो 5-6 चीजें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पहली चीज हम ये कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो इनफॉर्मल स्कूल चला रहे हैं जिसमें क्लास 5 तक का सब्जेक्ट 18 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उसके अंदर उनको मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, जनरल नॉलेज एंड फाइनेंस, चेक कैसे लिखना है, इनवॉइस कैसे बनानी है, बिलिंग कैसे करनी है कि वो अपना रोजमर्रा का काम कर सकें और कोई उनको बेवकूफ ना बना सके, तो ये हम चला रहे हैं। हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, हमने 850 लड़कियों को अब तक बाइक चलाना सिखा दिया, आपको भी नजर आएंगी रोड्स पे, और ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि देखें अच्छा उसमें भी मेरे पास भाई आ गए और अब्बा आ गए, अब एक भाई मियाँ आके मुझसे कह रहा है कि आपने मेरी वाइफ को सिखा दिया, और भी भाई भी कुछ कह रहा है। मैंने कहा तुम ऐसा करो कि बुर्का पहनो और घर से ना पहले तो बस स्टॉप जाओ, फिर बस स्टॉप पे जाने के बाद
तुम जो बस स्टॉप पे आधे घंटे खड़े हो जाओ और फिर उसके बाद बस में ट्रेवल करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तबक रोशन हो जाएगी कि हैरेसमेंट इसमें ज्यादा हो रही है या बाइक चलाने में हो रही है। बाइक पे तो औरतें वैसे भी बैठती हैं। बात सारी है कि किसी कोई भी ये नहीं कह रहा कि दायरे से बाहर निकलना चाहिए, कोई भी ये नहीं कह रहा कोई गलत काम करना चाहिए या जो हमारे माशरे के हिसाब से नहीं है वो करना चाहिए। अगर लोगों को जॉब्स में जाना है जहाँ पे बसेस नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है, तो उनके लिए जरूरी है कि कन्वीनियंस हो। मोटरसाइकिल एक सस्ता है और बहुत सेफ है और उसके लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं। अच्छा, अब वो मियाँ भी मेरे पास अब आके थैंक यू कहते हैं, कहते हैं पहले हम 7 बजे 8 बजे घर आते थे और बीवी जो है वो मुंह फुलाए बैठी होती थी, बोर हुई भी होती थी और फिर कहती थी अब चलें चीजें लेके आनी है और हमारे पे तो हिम्मत नहीं होती थी। अब मैं घर आते हैं सुबह, बच्चों को भी स्कूल छोड़ती है बाइक पे, बच्चों को पिक भी बाइक पे करती है और उसके बाद वो सोता है, सब सब हो चुका होता है और खुश भी होती है, तो बड़ी दुआएं भी मिल रही है। तो कहने का मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेडिक अच्छा, उसके बाद हमने 32 आरओ प्लांट सोलर पावर्ड लगाए हैं क्योंकि जो पानी का सफाई का भी बहुत है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसमें हम पैशनेटली अभी कर रहे हैं वो जेल रिफॉर्म्स है। तो आपको पता है कि जेल का नाम भी अब कन्वर्ट हो गया, वो प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी हो गया है और उसमें हम बहुत इन्वॉल्व हैं। वहाँ हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करवाए हैं, वहाँ पे जो है वो सिलाई कढ़ाई मोटरसाइकिल रिपेयर मोबाइल फोन रिपेयर खाना इम्प्रूव करवाया है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर, आईजी काजी नजीर साहब हैं, पहले नुसरत मंगन थे। और हम चाह रहे हैं कि जो यहाँ से जब लोग निकले बाहर तो वो स्किल डेवलप हो। हमने वहाँ पे लोगों को 6,500 बिजनेस को रिलीज करवा के उनको 7 इंडस्ट्रियल एरियाज में जॉब भी दिलाई है। तो हम ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम बेसिकली तकरीबन काफी स्पीयर्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। हम एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर बंदा जो है वो अगर गवर्नमेंट अच्छी भी चले तो सबको जॉब नहीं दे सकती, तो हम चाहते हैं कि लोग जो है वो दूसरों को जॉब भी प्रोवाइड करें, जॉब सीकर्स नहीं हो जॉब प्रोवाइडर्स हो। तो हम आइडियाज को सीड मनी भी देते हैं, इनक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर्स बना रहे हैं कि लोग जो है वो अपना बिजनेस कर सकें और फिर तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। दोस्तों डॉक्टर साहब से बात करने का मतलब पता है क्या है कि समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है। तो अभी टाइम भी कम है, इन्होंने हमें स्पेशल टाइम दिया, बहुत सारे गेस्ट भी मौजूद हैं फेरी के ऊपर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कोई मैसेज आप अपने देखने वालों को देना चाहें? आपने जितनी चीजों का जिक्र किया है ना, मैं खुद पर्सनली जाके कवरेज करूंगा और आपके साथ भी चाहूंगा कि मैं कवरेज करूँ। आप कुछ मैसेज देना चाहें अपने देखने वालों को? ये सामने क्या मैं ये समझता हूँ कि टाइम ऐसा आ गया है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने दोस्तों के लिए, भाइयों बहनों बेटियों के लिए हमारे ऊपर जो फर्ज है वो हमें निभाने चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। हमेशा हम सोचते हैं कि हमें क्या फायदा, ये टाइम अब चेंज हो गया, अब हमें ये देखना है कि हम दूसरों को क्या फायदा दे सकते हैं।